देखिए हम डीवी प्रवेश स्कूल क्लास 7 मैथ के हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैक्स मार्क 80 मार्क्स का है और टाइम अलॉटेड 3 आवर्स हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इस बार सेक्शन ए में ये MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, मतलब ये ट्रू फॉल्स है या कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। फिर करा, द वर्ड रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड ये रेशियो, रेशियो या रेशनलिज्म से बना हुआ है। द एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, करा कि सभी रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन होते हैं? तो नहीं, क्योंकि जैसे माइनस है तो -3/5 ये तो एक रेशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/8, एडिटिव इनवर्स मतलब इसका माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब 7 -7/8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर 1/3 इज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देख सकते हैं 1/3 है, नीचे ये 2 या 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर फिफ्थ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 × 0 + 4 × 0 × 5 × 0। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 1, ये भी 1 + 1 + 1 2 और 1, कितना आंसर हो जाएगा? 2 + 1 2 × 1, इट इज़ 2। इसके बाद देखिए, मल्टीप्लाई करना 2 9x + 9x और 2xy को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 2 = 18x × xy, तो कितना हो जाएगा? x × x power 1 है, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना? x²y, तो आंसर हो जाएगा 18x²y, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सिक्स था, 7 × 6 = 8 आर द पॉसिबल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रेंगल। देखिए इसका नो आंसर होगा, क्योंकि देखिए क्या 6 + 2 = 8 होता है, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इसलिए आंसर नो होगा। इसके बाद पूछा था, सम ऑफ टू एंगल्स इज 110, फाइंड द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल निकालने के लिए 110 को 180 में से माइनस कर देंगे। फिर क्या था, 3 मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जो 3 मीडियंस होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के, सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होंगे। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके मीडियन भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल है ABC, 9th देखिए क्या ABC ट्रायंगल्स है, जिसमें AB + BC जो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। क्या थर्ड साइड कौन सा होगा? AB BC, तो कितना हो जाएगा? ये होगा AC, मतलब AB + BC थर्ड साइड कौन सा होगा? AC से ग्रेटर होगा। फिर कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द ईच मीडियन, ये 2:1 में डिवाइड करता है। फिर द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि जो हाइपोटेनस होता है राइट ट्रायंगल का, वह स्मॉलेस्ट होता है ट्रायंगल का, नहीं, जो राइट एंगल का जो हाइपोटेनस होता है वह लार्जेस्ट होता है, इसलिए फॉल्स है। अब देखिए सेक्शन बी में आएंगे हम लोग। सेक्शन बी, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉन द फिगर। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल में कितने, अब देखिए हमने ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया जिसका ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या आर क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 फिगर्स हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 फिगर बनाने हैं जिसमें कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप इस टाइप का कुछ फिगर बना सकते हैं, ये इस टाइप का और भी कोई फिगर ड्रा कर सकते हैं। अब 12, एक्सप्रेस 12 - 16 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विथ द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जब पॉजिटिव डिनोमिनेटर मतलब माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे
और फिर इसको नीचे ऊपर कट होने वाला कट देंगे। ये देखिए 16/24 है तो ये 4 से कट जाएगा तो 4/6 आएगा, 4/6 फिर से 2 से कट जाएगा तो क्या 2/3, माइनस को ऊपर लेगा तो आंसर हो जाएगा -2/3 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करना इफ 3/-5 = k/15, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किया क्या होगा -5 k = 3 × 15 और ये -5 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 तो आंसर हो जाएगा -9, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वेरीफाई x + y = y + x फॉर x = 5 and y = -3/, मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे कि बोथ साइड आर इक्वल। देखिए मैं क्या लेफ्ट हैंड साइड या x की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई किया तो 13/2 आ गया। इसी तरह हम इसके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। देखिए y प्लस एक्स सेम थिंग एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें 13/2। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएगा। थर्टीन फाइंड द सम, इसको सम 4/9 + 7/4 इसका सम निकालना, तो पहले इसको सम निकालने के पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम 36 आएगा, 9 को 36 से डिवाइडेंगे 4 बार जाएगा तो 4×4 = 16, इसी तरह यहाँ 4 से डिवाइड करें 36 को 9 बार जाएगा, 9×7 = 63, दोनों का ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 79/36। इसको आप ये आंसर ले सकते हैं या इसको आप मिक्स नंबर में चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए 15 कन्वर्ट 7/20 इन द डिसिमल फॉर्म, इसको डिसिमल फॉर्म में चेंज करना तो आप तो इसको डायरेक्ट 7 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी इजिली सॉल्व किया। 20 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे ऊपर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35 और नीचे 25/100, मतलब 100 होगा मतलब 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो, मतलब यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ 2 प्लेस पे 1, 2 प्लेस पे डिसिमल लगा देंगे, ये हमारा डिसिमल में चेंज हो जाएगा। 16 जो क्या राइट 12.32005 इन स्टैंडर्ड फॉर्म k × 10^n वेयर के की वैल्यू जो होगी, के की वैल्यू जो है 1 और 10 के बीच में, देखिए 12 है एक प्लेस पे इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वही हमारा k × 10^n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन से, देखिए एक डिसिमल को इधर ट्रांसफर किया, 1 × 10^1 हो गया, बस इतना ही आंसर होगा इसका। 8 अब देखिए इसको लिखना है कि 1.235 × 10^5 को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब डिसिमल के फॉर्म में लिखना है। क्या अगर 10^5 में तो 50 और 50 इसमें बढ़ा देंगे 1, 2, 3 या 3 प्लेस पर डिसिमल है तो राइट हैंड साइड से 3 प्लेस पर 1, 2, 3 प्लेस पर डिसिमल लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 17 इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल a = 44° इफ AB = AC फाइंड द बी सी। देखिए दो इसमें कोई भी ट्रेंगल है जिसमें एक एंगल दिया हुआ है और ये भी बताया है कि दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो जब एंगल साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ ये एंगल ए 44° है, ये साइड बराबर, तो इनका ये अपोजिट एंगल मतलब AB = AC साइड बराबर, इनका अपोजिट एंगल इसका ये इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। अब देखिए एंगल ए हमने दिया है कि 44° है तो और बी और सी आपस में क्या है, यहाँ देखिए एंगल बी और सी आपस में इक्वल है तो सी के प्लेस पर एंगल बी को रख सकते हैं।
तो इसको 44 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी एंगल बी प्लस बी क्या होगा, 2 एंगल बी हो गए, 2 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा 68। तो एंगल बी 68 आ गया, तो एंगल सी भी 68 होगा क्योंकि साइड बराबर था, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। वेरीफाई 5, 7, 12 इज ए पाथागोरियन ट्रिपलेट आर नॉट, मतलब ये जो नंबर दिया है हमको, ये जिसको देखना है कि ये पाथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। पाथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर और जो बचे हुए नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम निकालते हैं। देखिए बड़ा वाला नंबर क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर 144 और जो रिमेनिंग दो नंबर है उनके स्क्वायर का सम फाइंड करते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49, इन दोनों को ऐड करेंगे 74 आएगा जो कि इसके इक्वल नहीं है, सिंस 12 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो वी कैन से सो 5, 7, 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब देखिए 19, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन, देखिए रेक्टेंगल में देखिए आप हमें ड्रा करके दिखाया हुआ है, यहाँ जो रेक्टेंगल होती है रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, स्क्वायर में चार लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ दिया है लाइन ऑफ, दो में दो ही राइट रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में दो राइट ऑफ, ये देखिए एक ऐसे होगा और जबकि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब सेक्शन सी में आते हैं, अब देखिए सेक्शन सी में राइट वन इंग्लिश अल्फाबेट ईच, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री के और नो लाइन ऑफ सिमेट्री के इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं। तो देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री में ए हो जाएगा, दो लाइन ऑफ सिमेट्री में एच हो जाएगा और एक इसमें और इसने पूछा है कि जो नो लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे जी का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। देखा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमने रफ बनाया हुआ है ये ऐसे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बी सी 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ एक राइट एंगल बना लेंगे 90 डिग्री बना लेंगे और ये 90 डिग्री 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कंपास में यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर का कट कर लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये ए हो जाएगा और ये बी सी, इस तरह से हमारा ए बी सी ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 में ए जो पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, कोई भी ट्रेंगल है ए बी सी उसके अंदर ओ पॉइंट है, तो कह रहा है कि जो ओ पॉइंट लिया गया दोनों का सम ये जो साइड से ग्रेटर होगा, यहाँ सभी में ग्रेटर का साइन होगा। फिर अब देखिए फाइंड द एस एफ ऑफ 21x³y^7 and 35x^5 / y^5 का एस एफ फाइंड करना है। इसमें देखिए सभी में ग्रेटर का साइन ही होगा। अब देखिए एस एफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों नंबर को फैक्टराइज करेंगे। देखिए 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, सबको हमने फैक्टराइज किया, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5। अब एस एफ निकालने का मतलब कि ऐसे नंबर्स को कामन ले लेंगे, वेरिएबल्स को कामन लेंगे जो दोनों में कामन हो, तो देखिए दोनों में 7 कामन है, एक्स ये कामन है, वाई जो कामन है तो ले लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इनके पावर ऐड हो जाएंगे, क्या होगा x³ and y⁵, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो डेट 9/4 / 3 / 8/9 / 3 = 2
सिक्स एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देख सकते हैं यहाँ दोनों का पावर सेम है, मतलब इनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए ये पावर सेम है इसलिए इनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए 9 9 से कट गया, 4 1 4 4 2 8, कितना होगा 2 पावर 3 और 2 इक्वल टू 2 पावर 6 एक्स। देखिए बेस इक्वल है इसलिए पावर भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब 6 इक्वल टू 3, तो 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाई 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब 1 बाई 2। एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 1 बाई 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो 24 का आर, ये इस टाइप से पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, देखिए कि किसी भी नंबर का पावर 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। देखिए ये 1 इंटू 1 और ये भी 1 इंटू 1, यहाँ 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा।